रंगीन मिजाजी हैं तो देखो ब्लू शर्ट चाहिए, बदतमीज। बाबा आपकी इतनी उम्र तो नहीं हुई जितने बूढ़े आप हो गए। जब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है तो मैं बूढ़ा नहीं हूं मेरे को। हाँ तो नूरअम्मी भी तो आपकी जितनी है ना, देखा है ना कितना फिट रहती है। वैसे कहीं आपने चोरी चोरी सिगरेट पीना तो नहीं शुरू कर दिया फिर से? अरे नहीं नहीं, तो बाबा कैसी बातें कर रही हो, कैसे इल्जाम लगा रही हो अपने बाबा पे? इल्जाम नहीं लगा रही, मुझे पूरा शक है कि आपने चोरी चोरी दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर दिया, तभी तो हर वक्त इतनी खांसी होती रहती है आपको। अरे नहीं बेटा, वो असल में पिछले हफ्ते काम बहुत ज्यादा थे ना, तो इसलिए थकावट हो गई है कुछ। तो आपसे किसने कहा इतना काम करने के लिए? नूर अम्मी भी ना कभी आपको इतनी दूर दूर जमीनों में भेज देती हैं, कभी ये मोटी मोटी फाइल्स दे देती हैं चेक करने के लिए। अगर आप इतना काम करेंगे ना तो मैं उनसे शिकायत लगाऊंगी कि आपसे इतना काम मत करवाया करें वो। नहीं भाई ऐसा मत करना, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। खुश? पक्का? तो फिर ये फाइल मुझे दे दे। अरे नहीं बेटा, ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं नूर बीबी के हवाले करने से पहले कि। अच्छा आइंदा तुम जैसा कहोगी ना वैसे ही होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते का सारा काम सिर्फ मैं करूंगी और आप बस आराम करेंगे और कुछ भी नहीं। प्रॉमिस मैडम। ये हुई ना बात, देखो जलाने देना। अरे नहीं। क्या है ये शो? अरे आफिर देख के तुम ठीक हो? आई एम सॉरी। अरे शर्ट को छोड़ो, अपनी आंख दिखाओ तो मुझे। क्या वह कुछ है? हाँ हाँ है ना? क्या मैं ही मैं हूँ? मतलब तुम पेमेंट मजाक करने लग गए। ये पकड़ो अपनी शर्ट, दोबारा इस्त्री नहीं करूंगा। अरे अफशा आप ही कॉफी? तुम कब आए? लोग कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। नहीं आफी, वक्त किसी जख्म को नहीं भरता, सिर्फ इस हकीकत को वाज़े करता है कि आपने जिसको खो दिया है उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं। बस एनिवर्सरीज आ जाती हैं और बार बार आपको यही याद दिलाती है कि आपने किसको खो दिया।